और दोस्तों क्या हालचाल है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू कनेक्ट ओटीजी डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस के साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड, माउस और पेन ड्राइव जैसा ओटीजी डिवाइस कनेक्ट कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले हम इसके साथ पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आजकल मार्केट में कई तरह के पेन ड्राइव देखने को मिलते हैं। हमारे पास जो पेन ड्राइव है उसके एक तरफ टाइप सी पोर्ट और दूसरी तरफ टाइप ए पोर्ट दिया गया है। टाइप सी पोर्ट से बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन ड्राइव में केवल ए पोर्ट है तो इस फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए एक टाइप सी टू टाइप ए पोर्ट वाला एडाप्टर खरीदना पड़ेगा, जिसका बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। दोस्तों इस डिवाइस में ओटीजी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं। पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद ये रीड करने में थोड़ा समय लेगा, वो डिपेंड करेगा पेन ड्राइव कितना भरा हुआ है उसके ऊपर। पेन ड्राइव डिटेक्ट करते ही ऊपर में एक नोटिफिकेशन आएगा, एक्सप्लोर पे टैप करके पेन ड्राइव का फाइल एक्सेस कर सकते हैं और इजेक्ट पर टैप करके पेन ड्राइव को सेफली इस डिवाइस से रिमूव कर सकते हैं। हर बार मोबाइल से डिस्कनेक्ट करने से पहले इजेक्ट करना होता है, नहीं तो पेन ड्राइव के अंदर सभी फाइल करप्टेड हो जाएगा। इस पेन ड्राइव को फाइल मैनेजर से भी एक्सेस किया जा सकते हैं। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद रिसेंट टैप के नीचे यूएसबी स्टोरेज कनेक्टेड, इस पर टैप करते ही पेन ड्राइव का ऑल फाइल ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से कोई भी SSD और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्पेशल सेटिंग्स ऑन करने का आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कीबोर्ड और माउस इसके साथ कनेक्ट कैसे करें। कीबोर्ड और माउस का इनपुट केबल ये टाइप का होता है। फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए टाइप सी टू टाइप ए पोर्ट वाला एडेप्टर चाहिए। मेरे पास एक ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस का सेट है, ये उनका रिसीवर है। इस रिसीवर को एडेप्टर के साथ कनेक्ट करके जैसे ही हम फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे वो अपने आप चालू हो जाएगा। गाइज अगर फ़ोन में डिस्प्ले खराब हो जाए तो माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके फ़ोन को ऐसे ही चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।